चुबे ने तो आज दिल खोल के दिया इस बार दिल खोल के। ये देखिए ना, ये सारे जो कपड़े लिए ना हमने नवरात्रि के लिए, सचिबे ने सब फ्री में दे दिया। इतना खुश, पता नहीं क्या हुआ है, जो भी हुआ है हमारा फायदा हुआ ना। ये देखिए, श्रेया के लिए ना मैंने ये लिया है, उसको काफी अच्छा लगेगा। और ना ये आपके लिए बेटा, देखिए ना ये प्रसाद के लिए, और इनके लिए भी ऐसा ही लिया है। और ये मेरे लिए, ससुर जी के लिए लेना चाहती थी पर वो पहनेंगे नहीं पहनेंगे इसलिए नहीं लिया। कैसा है, अच्छा है ना? बाहर में जाए तेरा ये लहंगा, बाहर इसको आग लगा देती हूँ मैं। जाने से पहले बोला था चाय करके ही जा, मुझे चाय पीनी है। सास की सुननी का है, मैडम को खुद की ही करनी है। एक घंटे बाद आती है तू, मैं इसलिए सौरभ सूरी ससमा अभी करती हूँ मैं चाय। चाय नहीं, जहर ला, जहर जहर खा के तय हो जाती हूँ मैं। क्या फायदा ऐसी बहू का, पता नहीं कौन से मुहूर्त में घर पे आई है, जब से आई है तब से ये मेरे पीछे ही पड़े। अगर इस दुनिया में सबसे बड़ा अभागी कोई है तो वो हूँ मैं, जो तेरे जैसी बहू मुझे मिली है। बिल्कुल बिल्कुल नसीब फूट गया मेरा जब से तू घर में घुसी है। पता नहीं किसके सामने जाके मेरा ये रोना धोना करूं, अंदर ही अंदर में रोती हूँ। क्यों आई गा? क्यों आई तू हमारे घर में जब से आया तुझे? बस दुख ही दुख चल रहा है मेरे जीवन में। काम ना काज के दुश्मन अनाज के, दिन भर गॉसिप साशिप, इसके साथ बैठा उसके साथ बैठा, सास का कुछ मत सुनाओ। क्या हुआ माँ? ये तेरी मैनर्स लेस परेशान करके रखा है मुझे। अरे माँ आप क्यों इसकी बातों पे ध्यान देते हो, आपको तो पता है ना बेअकल है वो। तो तेरी अकल कहाँ गई थी जब इसको घर में घुसाया? घास चरने गई होगी। जा जा निकल जा, मत वापस। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है, मम्मी को जैसा लगता है ना वैसे मुझे भी कुछ कुछ फील हो रहा है। हमारे घर में आने वाले दिनों में बहुत धमाके होने वाले हैं। क्या गलती है गो मेरी? बस एक औरत हुई यही गलती है, या एक माँ हुई यही गलती है, या किसी की बहू हुई यही गलती है, या किसी के बेटे हुई यही गलती है? सबका गलती हूँ, सबका। मेरे लिए कभी समय नहीं निकाल पाती, पर सबके लिए समय होता है मेरे पास। मुझे पीछे रख के बाकियों को खिलाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ। दिन रात घर के काम करती हूँ, मर मर मरती हूँ। इसका देखना है, उसका देखना है, सबका देखना है, मुझे कोई नहीं देखता, ना मेरे बारे में कोई सोचता है। मेरी क्या गलती है कि मैं बस एक औरत के जन्म में आई है? नई नई शादी होती है तो बहू के सब आगे पीछे करते हैं, घर की लक्ष्मी ये वो ये वो। साल गुजर जाते हैं, फिर क्या? बार बार सास का टोकना, पति का टोकना, बच्चों का ना सुनना, सब सहन कर लेती हूँ। क्योंकि हम औरतें बचपन से हमें यही सिखाया गया है, सहन करते रहो कुछ नहीं होगा। सब कुछ तो हो जाता है, क्या सहन करे। और आप भी तो एक औरत ही हो ना माँ, आपको तो हमारा दुख दर्द सब पता है, फिर आप इन लोगों को सद्बुद्धि क्यों नहीं देती? अभी बस ये शर्मिला और नहीं सहन करेगी माँ, मैं अभी आपके पास ही रहूंगी, नहीं जाना मुझे घर। बस आप मेरे घर का ख्याल रखना, इतना ही चाहती हूँ मैं। अप्पो, अभी रात हो गई फिर भी ये बहू पता नहीं कहाँ चली गई, बता के भी नहीं चाहती, सारा खाना मुझे ही बनाना पड़ा। ये भी कहाँ गया है पता नहीं। मैं शर्मिला मायके जा रही हूँ, आपको मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए टुक टेक केयर। लगा ही था मुझे कब जाती है मायके, चली गई ना जाने दे, इस बार उसे कोई लेने नहीं जाएगा मायके। गई है ना मायके, मायके में ही रहने दे, कब तक रहती है मैं भी देखती हूँ मायके,
जब देखो तब मुंह उठा के चली जाती है मायके। मायके जाना था तो शादी है क्योंकि हमको भी नहीं आवनी। अभी और नया सुशील, अभी और नहीं, बहुत हो गया। आज की पार्टी में कुछ अलग ही मजा आया। और दे हमारी बीविया हमारे कपड़े पहन के किटी पार्टी करती है, उनको क्या लगता है हम उनके कपड़े पहन के किटी पार्टी नहीं कर सकते? क्या किटी पार्टी की हमने, मजा आ गया। इक्वालिटी होनी चाहिए ना। बराबर कहा ब्रो, इक्वालिटी बहुत जरूरी है। हम भी पहन सकते हैं कपड़े, उसमें बुराई क्या है? माँ ये बेल इधर बेल। माँ दरवाजा खोलो। लगता है घोड़ा पी क्या है, आज आखिरी दिन है ना, अभी कल से नवरात्रि शुरू हो जाएगा, इसको चांस नहीं मिलेगा, इसलिए पार्टी करने गया होगा। सुमो माय डार्लिंग, आई एम बैक माय ब्रांडेड। सुशो पी क्या आए क्या तुम? मैं आने रही हूँ। माँ अरे क्या ये बहू के कपड़े क्यों पहनो? सिंदूर बिंदूर बिंदी बिंदी ये क्या है? वो माँ आपको याद है ना, शर्मिला ने मेरे कपड़े पहन के किटी पार्टी की थी, मैंने भी उसकी कपड़े पहन के किटी पार्टी की। वो तो अच्छा है तेरे पापा घर पे नहीं, अगर घर पे होते मैं पूरा छिलके निकालते तुझे। सुबह आने वाले दोस्त के पास गए, तब तक तेरी उतर जाएगी। अच्छा अच्छा, और ये बिंदी वगैरह सिंदूर पहुंच दे, चला जा अंदर। चलो चलो अंदर। बाय प्रवीण ब्रो। कितनी बार कहा है गलत संगत में मत रहा कीजिए, गलत संगत में मत रहा कीजिए, बिगड़ जाएंगे। पहले से बिगड़ा हुआ है वो, बात करती है चूहे जैसी औरत। चल अंदर बैठ, चुपचाप यहाँ पे पढ़ और मुझे रात को उठाना मत, बता रही हूँ मैं अभी। बिंदी निकल देता है, सिंदूर सिंदूर पहुंच रहा हूँ पर पहुंच नहीं रहा। माँ सो रहा हूँ अब। मैं जा रही हूँ सोने, तेरी बीवी नहीं है घर पे, ये तो हालत में ही नहीं है कुछ सुनने के। बच्चों सो जाओ, माँ नहीं आने वाली तुम्हारी आज। देखो महाशय को देखो, आराम से कराटे मार रहे, रात भर मुझे आग से आंख नहीं लगी, सुबह उठ के काम करना है बस यही दिमाग में चल रहा था। मैनर्स लेस औरत, चली गई मायके। बेटा ये उठ 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 मेरे डुकरा उठ, सोने दो। कब से सो रहा है घोड़े बेच के? अरे मेरी नींद आराम हो गई इधर। क्या हुआ माँ, आप इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो मुझे? तेरी बीवी चली गई है ना मायके। अच्छा है फिर, आज भी पार्टी करने का मौका मिलेगा। ए घोड़े तुझे अच्छा लग रहा है अभी? तेरा पप्पा आएगा तो उनको क्या जवाब देंगे? वो तो मुझे ही डांटेंगे, मेरे पीछे लगेंगे। ये शर्मिला ना खुद मायके जाती है, हमको परेशान करके जाती है। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ओ डॉट, और वो क्या सिंदूर पूछ ना, वो सिंदूर पूछ, सुहागन है क्या? तो उस दिन मैंने गलती से आशीर्वाद दे दिया, तूने सच में मांग भर लिया। माँ मैं कोशिश कर रहा हूँ पर निकल नहीं रहा वो, शायद नहाने के बाद निकल जाए। नहा ले, जल्दी जाके नहा ले, अगर ऐसा देख लिया तेरे पप्पा ने बहुत कुटेंगे। उठ मशे माँ, एक कड़क चाय हो जाए। होटल है क्या ये? कड़क चाय हो जाए और कुछ फरमाइश आपकी जो मैं पूरी करूँ? माँ प्लीज कर दो ना, अभी शर्मिला नहीं है तो घर के काम तो आप ही को करने पड़ेंगे ना। चाय की वजह से ही सब हुआ है ये, पता नहीं ये मैनर से इतनी इतनी बातों पे क्यों गुस्सा हो जाती है। ऐसा क्या बोल दिया मैंने, उसको तो आदत ही बातें सुनने की। प्लीज माँ प्लीज, करती हूँ चाय के दीवाने, बैठ के खाने की उम्र है मेरी, ये करने की है क्या? कब समझ में आएगा इस वेदरलेस को? चली गई माई के मुंह ढक के। अरे अगर मायके ही रहना था तो क्यों आई ससुराल? मेरे बेटे को बताया पापा, जाइए आप पहले मायके, जाइए मम्मी के और मम्मी को लेके आइए। ए दिड़ फुट, ज्यादा बड़बड़ मत कर मेरे सामने, समझा ना? तेरी माँ को ये बड़ा शौक है मायके जाने का, और इस बार मैं उसको लेने नहीं जाऊंगा। तू उसका नाटक, बार मायके जाती है, जाने दो मायके, मायके ही रहो। आपकी वजह से गई है, आपको जाना ही पड़ेगा मम्मी को लाने। चुप, जा कमरे में जा, जरा स्टडी कर, जीरो मिलते हैं, जीरो तुझे, तेरी वजह से मैं बदनाम हो जाता हूँ। अभी दादाजी आने दो, मैं सब दादाजी को बता दूंगा। बता बता, किसको बताना है उसको बता,
दादाजी की धमकी दे रहा है। अरे डरता नहीं मैं किसी से। सुन भाई, दादाजी आ गए, मैं सब बता दूंगा, रुक जरा। अरे वाह, आज तो इधर आके बैठा है, शायद जल्दी उठ गया। हुँ? पार्टी शार्टी तो नहीं थी ना कल? नहीं नहीं पापा नहीं। सुनो भाई, कहाँ है वो माई? मम्मा चाय कर रही हो? चाय? मैंने पूछा सुनो भाई कहाँ है? वो गई होगी सुमित्रा जी के पास। बेटा इधर आ जा। हाँ आता हूँ माँ। माँ पापा को क्या जवाब दे? तेरी वजह से ही गई है वो मायके। कितना झूठ बोलोगी माँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपने बोला उसको कुछ कुछ, मैंने तो बस बोला घास खाने गई है। उसी बात का उसको बुरा लगा, तूने कहा ना वो घास खाने, उसी बात का बुरा लगा है उसको, तेरी वजह से ही गई है। उस बात का बुरा नहीं लगा उसको, आपने उससे पहले जो जो बोला उस बात का बुरा लगा है शर्मिला को, और आपकी वजह से चली गई वो मायके। मैं बोलूंगा पापा को, आप ही की वजह से गई है वो। क्या कहा? आपकी वजह से गई है वो। क्या हो रहा है? WWE चाय करने के लिए शक्कर नहीं है, शर्मिला से लाती हूँ मैं शक्कर। शर्मिला आई आई नो, ये छुछुंदर मुखी औरत, इसको किस बिल में घुसाओ जहाँ से ये बाहर ना पाए। सुन भाई, आपके पास नहीं आए? मेरे पास तो नहीं आई, उल्टा मैं ही आई उसके पास शक्कर लेने के लिए। क्या हो, नहीं है क्या वो घर पे? घर पे नहीं है वो, मुझे लगा शायद आपके पास आई होगी। ऐसे आप दो तीन दिनों से दिख नहीं रहे थे, कहाँ गए थे? वो मैं जरा अपने दोस्त के पास गया था। कोई नहीं, मैं आती हूँ बाद में फिर से शक्कर लेने के लिए। ठीक है ठीक है, चल अब चलते हैं। दादाजी हम बताते हैं आपको क्या हुआ कल। श्रेया प्रसाद, क्या हुआ बच्चों? दादी ने मम्मी को बहुत 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 डांटा, और पापा भी बहुत हंस रहे थे, पापा ने कुछ भी नहीं कहा दादी को, दादी बहुत डांट रही थी मम्मी को, और दादी की डांट की वजह से मम्मी मायके चली गई। क्या? रुको तुम दोनों, अभी रुको, मैं उन दोनों को देखता हूँ। ललिता बस अभी डर डर के नहीं जिएंगे, तेरे पापा भी इंसान ही है ना, राक्षस ने जो हमें खा जाएंगे, बता देंगे उनको जो हुआ है, डरने का नहीं। हाँ कुछ नहीं होगा, चलो। अरे अरे वहां क्यों बैठ गए मोहतरमा आप? हमारे पास आइए, इधर बैठी है। अरे क्या, अभी आपके पास शोभा नहीं देता, उम्र हो गया हमारी। इंस्टाग्राम रील्स करने में आपकी उम्र नहीं आती। आ जाइए बिगड़े हुए राजकुमार, मेरे पास आके बैठी है जरा। नहीं नहीं मैं इधर ही ठीक हूँ। डर गए क्या? अच्छा चलिए उधर उधर बैठिए, फैलाइए ना तशरीफ, फैलाइए, किसका इंतजार कर रहे हो? कितनी बार मैं बोला हूँ, कितनी बार सुनबाई से ठीक से पेश आ कर, नहीं सुधरेगा है ना तू, बिल्कुल नहीं सुधरेगा। क्यों हुआ? भाभी के घर से बहुत आवाज आ रहा है। मेरी वजह से नहीं पापा, मेरी वजह से नहीं, वो माँ की वजह से गई है शर्मिला। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा था, माँ ने कहा कि ये तेरी बीवी क्या है, तो मैंने कहा माँ उसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, वो तो ब्याह कर ले। ओ, नहीं बेकल नहीं, वो बेकल नहीं, वो गलती से निकल गया। फिर माँ ने कहा मुझ में अकल नहीं, क्या तो मैंने कहा मेरी अकल चली गई घास चरने, उसके ऊपर मम्मी हंसी तो इसी के लिए वो चली गई। घोड़े कमीने, माँ को फंसा रहे, तुझे शर्म नहीं आती अपने ऊपर ले लेना। नहीं तुम दोनों माँ बेटे ऐसे हो ना अपने। पापा सॉरी सॉरी। और ये सिंदूर क्या लगा है, बहू की कमी पूरी कर रहा है क्या तू? पूछने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं पूछ रहा। अच्छा निकलू क्या मैं? रुको, नहीं 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 निकालूंगा, फिर निकालूंगा। पहले घर से निकल और सुनबाई को लेके आ। जाऊँ क्या मैं? जाओ। तुम्हारा वो टिफिन भरता हूँ मैं। वैसे भी किया तो मैंने ही है, भरने में कितना टाइम जाएगा। जरूर कुछ तमाशा हुआ है इनके घर में। आपको क्या करना है, जाइए ना अपने घर में। जब देखो तब गॉसिप गॉसिप, अरे खुद के घर का कुछ देखिए। मेरा छोड़ तो खुद के घर का देख, जब देखो तब आ जाती है मायके, मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, मेंढक है क्या उड़ती रहती है ऐसे? मैं इस घर की बेटी हूँ, समझ गई आप? शादी होने का मतलब ये नहीं उसका सारा रिश्ता नाता मायके से खत्म हो जाता है। जब जब उनके ऊपर परेशानी आएगी मैं उनके पीछे खड़ी रहूंगी। उनकी सबसे बड़ी परेशानी तू थी जिसका ब्याह हो गया।
रोटियां वरना सीख जरा, रक्षा करते हैं रोटियों के, वही खाता है तेरा पति बेचारा, मुझसे कुछ शब्द नहीं निकाल पाता तेरे सामने, भीगी बिल्ली बन जाता है। अरे वो तो तुझसे शादी नहीं करना चाहता था। ब्रेनलेस पीपल, मैं ब्रेनलेस, तू हेयरलेस, हेयरलेस हेयर नहीं है, बॉयकॉट कहेगी। बार बार बोल चुका हूँ मैं, सुन भाई के साथ अच्छे से पेश आओ, अच्छे से पेश आओ, इसको तो अकल ही नहीं है, इतनी बड़ी हो गई है। क्या हो गया, इतना आवाज क्यों हो रहा है, पूरी सोसाइटी में आप लोगों का आवाज जा रहा है। मामी, what happened? और भाभी कहाँ है? वो चली गई मायके। क्या? अभी तो नवरात्रि है, नवरात्रि में कैसे वो चली गई मायके? कभी तो जाती नहीं। अपनी माता श्री से पूछी है, उन्होंने सुनबाई को बहुत कुछ बोला है कल, उसी बात का बुरा लगा उसको और वो चली गई मायके। मामी, मैंने आपको कितनी बार बोला है, भाभी को बुरा भला मत बोला कीजिए, सबका करती है वो, थक गई है सबका कर करके। यहाँ भाभी को लेके आई है, उसको इनविटेशन देना पड़ेगा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ आती हूँ, चलो। कहीं पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आ गई हूँ मैं। भाभी आ गए। सुनो भाई, तुम इनके बातों का बुरा मत माना करो, कुछ भी होता है तो सीधा मेरे पास आया करो, समझ गए? आगे से समझ जाना। आपको पता है ना मामी की आदत, वो बोलती रहती है, मन की बहुत साफ है, आप उनकी बातों का बुरा मत मानिए। और भैया कहीं भी, वो तो है ही पागल। क्या रे मैम, महारानी क्यों आप चली गई ऐसे, इधर परेशानी कितनी होगी। मैं तो ऐसे बोलती रहती हूँ, बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, अपने ही बोलते हैं, अपनी बातों का बुरा नहीं मानते, अपनों की बात होती है ये। आती हुआ मैम, वो काले कौवे का इनका टिफिन करना है ना। बच गए माँ। हाँ बेटा। अभी कोई नहीं बचेगा।